रात के 3:30 बजे घर के दरवाजे पर पेश आई कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नादिन, आज से 1 साल पहले एक शख्स को रात गए घर के अंदर घुसकर डकैती मजाहमत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। डकैती मजाहमत पर सफाक मुलजिम ने उतारा एक शख्स को मौत के घाट। जब ये 3:30 बजे दुकान बंद करके वापस आता है ना, तो मैंने इसको पुल पे रोकना चाहिए, अगर वहाँ पे 2-3 आदमी और आ गए जिसकी वजह से मैं इसको रोक नहीं पाया। फिर मैंने के पीछे घर गया, मैंने इनसे पैसों की डिमांड की है। पैसों को देते हुए यासीन ने इसके साथ हाथापाई शुरू कर, जिस हाथापाई के दौरान उसको टांग पर फायर लग गया, बाद ज्यादा खून बह जाने के बाईस वफात हो गई। 21 मुकदमात में नामजद मुलजिम 1 साल तक कैसे पुलिस और मुद्दई को धोखा देता रहा। तकरीबन 1 साल तक इस केस में किसी पर शक शुबे का इजहार नहीं था, कोई सुराग नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी। हम काफी दूर डीआईजी तक गए हैं, जहाँ जहाँ हमारी पहुंची गए हैं, लेकिन ये अंधा कत्ल है, इसका हम क्या कर सकते हैं। कितने 21 मुकदमात? हाँ जी, लड़ाई झगड़ों के पर्चे हैं। 324 भी है, एकदम कत्ल भी है, 302 भी है। कब से कर रहे हो ये? मुझे हो गया है 5 साल हो गया। टीवी केबल के बिजनेस की आड़ में वारदातें करने वाला गैंग हुआ बेनकाब। मैंने ये काम में धमकी वगैरह रखती रहती है, ठीक है, नेट केबल में फेयरिंग हो जाती है। कौन है तुम्हारे पीछे? यार दोस्त है, मोहल्ले जाहिर है, गैंग है ना पूरा। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, आज से 1 साल पहले थाना सांधा की हदूद में एक शख्स को रात गए घर के अंदर घुसकर डकैती मजाहमत पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अब 1 साल बाद इसके मुलजम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश बहुत इंकशाफात हुए। इस शख्स ने इस वकूए से पहले और बाद में मजमूई तौर पर 21 वारदातें की हैं। क्या ये अकेला शख्स ये वारदातें करता है या इसके साथ पूरा गैंग है, आज के प्रोग्राम में तफसील से आपको बताएंगे। 1 साल पहले लाहौर के इलाके सांदा में पेश आने वाले कत्ल की वारदात ने रिहायशियों को खौफ और तश्वीश में मुब्तला कर दिया था। रात 3:30 बजे सफाक मुलजिम ने डकैती की नियत से मकतूल के घर पर धावा बोला और मजाहमत पर यासीन को मौत के घाट उतार दिया। कातिल वारदात के बाद फरार होने में कैसे कामयाब हुआ? पुलिस 1 साल तक मुलजिम को पकड़ने में क्यों नाकाम रही? बज़ाहिर डकैती मजाहमत पर होने वाले इस अंधे कत्ल को कैसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया? इस संगीन वारदात के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे जो पूरे 1 साल बाद सामने आए? क्या दर हकीकत कत्ल का ये वाकया किसी जाती रंजिश के बायस पेश आया? कातिल यासीन के कत्ल के अलावा भी 21 वारदातें कर चुका था। मुलजिम को इन जराइम में किसकी पुष्ट पनाही हासिल थी? मुलजिम की हैवानियत और शातिराना चालों से लवाहिकीन की मजलूमियत तक दिल दहला देने वाली है आज की ये दास्तान, मुजरिम कौन। ये नाज़रीन 1 साल पुराना कत्ल का केस है जो कि इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस ने अब आके इसे ट्रेस किया है। ये जून 2021 में कत्ल होता है डकैती मजाहमत पर, और इससे ज़्यादा कुछ दिलचस्प हकायक हैं इस मुलजम के बारे में। जब ये कत्ल करता है तो उसके बाद ये गायब हो जाता है, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था ना, पुलिस को पता चल पाता है कि ये कत्ल किसने किया था। पुलिस शायद अपने तौर पर इस पर कोशिश कर रही थी, लेकिन उस तरह से ये कोशिश नहीं की गई। और इसका मुलजिम का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो वो 1 साल तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, और फिर ये बकवास करने के बाद उसने बहुत सारी वारदातें की हैं और वो भी बड़ी संगीन नौयत की हैं। और उसे ये पता था कि शायद किसी और वारदात के सिलसिले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। फिर दौरान तफ्तीश उसे पता चलता है कि वो कत्ल जो उसने आज से 1 साल पहले किया था उसका भी पुलिस अब चालान मुकम्मल कर रही है। तो उसके लिए भी एक बड़ा हैरानकुन ये बात थी उसके लिए। ये सारा मामला क्या है, मुलजिम इतना ख़तरनाक है, इसे पुलिस क्यों 1 साल तक गिरफ़्तार नहीं कर सकी, उस पर कौन कौन से मुकदमात हैं, ये सब पूछेंगे। मेरे साथ रिजवान तारिक साहब मौजूद हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है इकबाल टाउन डिवीजन के। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ज़रा इस केस की बात कर लें, ये बकवास क्या है? 2021 की बात है, ये जून गालिबा 2021 की जी, घर के अंदर एक शख्स कत्ल होता है डकैती मजामत पर, ये क्या मामला हुआ था? ये जून 2021 का मामला है जिसमें FIR दर्ज होती है, तो FIR में मुदई ये कहते हैं कि रात 3:30 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जो मकतूल यासीन है उसने दरवाज़ा खोला, थोड़ी देर हाथापाई की कोई आवाज़ सुनने में आई, उसके बाद एक फायर हुआ और मकतूल यासीन जो है उसकी डेथ हो गई। इससे ज़्यादा कोई सुराग, कोई क्लू, कोई फुटेज, कोई मौके का गवाह मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ये इत्तला दी गई के दरवाजे पर रात के 3:30 बजे दस्तक हुई और एक फायर हो गई।
घर पे कौन कौन मौजूद था? घर पे उसकी अहलिया मौजूद थी और उसका 6 साल बेटा मौजूद था। ठीक है, और वो भी उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा? उन्होंने अपनी आंखों से किसी को नहीं देखा, ना किसी की आवाज सुनी। वकुए की रात 3:30 पर घर में क्या मामला पेश आया था, डकैती की कोशिश कैसे खूनी वारदात में तब्दील हो गई थी, यासीन के कत्ल में कितने मुलजिमान शामिल थे, सामने आए होशरुबा इंकशाफात। मकतूल यासीन के छोटे भाई यामीन हमारे साथ मौजूद है, ये भी वही कारोबार करते हैं जो वो करते थे। उस रात क्या हुआ, 1 साल तक पुलिस क्यों नहीं इस मुलजिम को, या बकौल इनके अभी आपको खुद भी बताएंगे कि इसमें एक और सहूलतकार भी शामिल है, पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकी? ये जो 1 साल है जो इन्हें इंसाफ नहीं मिला, ये दर बदर के ठोकरे खाते रहे और एक नाउम्मीदी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, और ख़ास तौर पर अब जो बेवा हैं और जो बच्चा है उनका, वो किस हालत में है, इन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और अब आगे जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इनके हौसले कितने बुलंद हुए, ये सब जानेंगे यामिन साहब से। यामिन साहब, सबसे पहले सर अपने भाई के बारे में बताएं, कितनी उम्र थी उनकी? मेरे भाई की एक बेटा है उनका? जी भाई, मेरी उम्र 44 साल थी, उनका एक बेटा है 8 साल का, अब माशाल्लाह 9 साल का हो गया है। ठीक है, तो भाई का काम बेसिकली सेलमैन का था। ठीक है, आपके साथ ही काम करते थे? मेरी शॉप थी, तो हम रात को ना इकट्ठे ही दुकान बंद करके जाते थे। ठीक, अब घर पे भी काम करते थे होलसेल? हाँ जी, भाई का काम जो सेल में वो घर में समझ होता था। ठीक है, तो रात को भाई मेरी हेल्प के लिए आ जाते थे 2 से 3 घंटे के लिए। उस रात भी आपके साथ थे? जी जी। कितने बजे गए दुकान से? हमने 3 बजे दुकान बंद की है। ठीक है, तो हम घर चले गए हैं। ठीक है, वॉशरूम में चला गया नहाने के लिए। अच्छा, आप इकट्ठे ही घर आए हैं? हाँ जी, हम इकट्ठे भाई इनका कुछ साफ सफाई भी करना, कुछ चाय वगैरह पीते हैं इकट्ठे, तो कह रहे हम गए नहाने लग पर। आप घर पहुँचे हैं, कितनी देर बाद ये मुलजिम पहुँचता है वहाँ पे? तकरीबन 15 मिनट बाद। 15 मिनट हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर हम साफ क्या करते, मैं नहाने के चला गया, उसके बाद दरवाजा लॉक हुआ है, तो उसके बाद तो थोड़ी बहस की बात आई भाई की, पैर की बात हुई, जब तो मैं बाहर निकला तो भाई मेरा खून में लगता पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये 2 आदमी थे, एक बाहर था जो एक अंदर था, मैं अब भाई को संभाल। अच्छा, ये कह रहे हैं मुझे अकेला नहीं था, इसके साथ एक और भी था, इसका सहूलत था जी, वो बाइक पे था? वो बाइक पे थे। ठीक है, तो ये भागे हैं, मैं अपने भाई की तरफ हो गया कि इसको मैं देखूँ, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा की वजह से 11 बजे को फ़ोन किया, 15 पर भी किया, वो आए हैं और भाई की रास्ते में डेथ हो गई। कत्ल करने के बाद मुलजिमान कहां फरार हो गए थे, पुलिस 1 साल तक इस अंधे कत्ल का सुराग लगाने में क्यों नाकाम रही, 1 साल तक इंसाफ की भीख मांगते लवाहिकीन के साथ कैसा सलूक होता रहा? 1 साल तक कहां कहां आप ठोकरे खाते रहे, इंसाफ नहीं मिला? हम काफी DIG तक गए हैं, जहां जहां हमारी पहुंची गए हैं, लेकिन वो क्या, ये अंधा कत्ल है, इसका हम क्या कर सकते हैं? तो ये भी रियासत नागरा साहब है इंचार्ज, ये आए हैं दोस्त मोहम्मद साहब, जब इनकी टीम आई है तो इनसे मेरी मुलाकात हुई है, बेटे हम आए हैं तो इंशाल्लाह इसका हम हल निकालेंगे। आपकी गली के बाहर कोई CCTV कैमरा थे? कैमरा हाँ जी, लेकिन काम नहीं कर रहे थे, तो एक काम कर रहा था जिसमें किसी ने उस मुलजम को उस वक्त आते या जाते हुए नहीं देखा, जब फायर हुआ जाहिर है शोर मचा, जाते हुए भागते हुए रात का टाइम था ना, रात 3:15 के दरमियान का टाइम था। ठीक है, तो वो फिर कुछ कैमरों से इनको फुटेज मिली। ये है वो CCTV फुटेज जिसमें मुलजिम की मशकूक सरगर्मियों को देखा जा सकता है। इस अंधे कत्ल का सुराग पुलिस अफसर की तफ्तीशी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में क्या मालूमात सामने आईं? आप बता रहे हैं जून 2021 का ये वकूआ है, CCTV वीडियो सामने आई है, ये अब जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है मुतल्लिका थाने के, थाना सांदा के, उन्हें वीडियो अब मिली है या वीडियो से पहले मौजूद थी, उस पर काम नहीं किया गया था? तकरीबन 1 साल तक इस केस में कोई सुराग, कोई किसी पर शक शुबे का इजहार नहीं था, कोई सुराग नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी, और अभी जिस फुटेज पर हमने काम शुरू किया वो फुटेज इस तरह से थी कि जो क्राइम सीन है उससे 3-4 गलियाँ छोड़कर और 3-4 यानी कि गलियां दूर एक CCTV फुटेज सामने आती है जिसमें वकूए के वक्त से कुछ पहले एक शख्स जो है वो चहलकदमी करता नज़र आता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर जब गौर किया गया और देखा गया कि वो इस वक्त वहां पर परेशानी के आलम में अगर घूम रहा है, और बीच में हमने ये भी देखा कि जब कोई राहगीर वहाँ से गुजरता है तो वो शख्स चौकन्ना हो जाता है, इस चीज़ को देखते हुए जब उस हुलिये के लोगों की जांच पड़ताल शुरू की गई, उस हुलिये के लोगों से जो उस इलाके के रहने वाले थे उनसे पूछताछ शुरू की गई, तो हमने ट्रेस कर लिया कि ये शख्स जो है वो उसी मोहल्ले का रहने वाला
अदनान उर्फ दानी है, और जब उसके गिर्द घेरा तंग किया गया तो उसने अपनी लोकेशन भी बदली। इस दौरान वो लाहौर, कसूर, गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेता रहा। बिलाखिर वो हमारी गिरफ्त में आ गया, और जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने ये इंकशाफ किया, अभी आपने भी उससे इंटरव्यू किया है, उसने ये बताया कि जो मकतूल है उसका नाम यासीन है, वो उसके मोहल्ले में रहता था और होलसेल का काम करता था सिगरेट की। अब अदनान ने ये, चूँकि इसको कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, उसने ये सोचा और उसको ये पता भी था कि रात लेट आवर्स में 2-3 बजे के बाद ही अपनी दुकान की क्लोजिंग करके अपने घर आते हैं, तो उसने रास्ते में इसको रोकने की कोशिश की। प्लानिंग ये थी कि जब ये अपनी दुकान बंद करके रात को 2-2.5-3 बजे के करीब घर वापस आ रहा होगा तो किसी सुनसान गली में इसको रोक के इससे वो पैसे छीने जाएंगे, लूटा जाएगा। ठीक है, वो कोशिश इसने की, लेकिन वहाँ पर ऐन उस वक्त जब इसका आमना सामना यासीन के साथ हुआ तो उस गली में कुछ राहगीर आ गए, जिसकी वजह से ये अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन चूंकि लूटना ज़रूर था तो इसने उसका पीछा शुरू किया। जैसे ही यासीन अपने घर में एंटर हुआ, इसने 2 मिनट के बाद घर का दरवाज़ा खटखटाया, वो बाहर आया, उसने अदनान हमारे मुलज़म ने उसको लूटने की कोशिश की। इस दौरान यासीन ने इससे हाथापाई, नहीं, घर की दहलीज पे या उसके बाद घर के अंदर दाखिल हो गया था? जी, घर के अंदर दाखिल हो गया, दरवाजा जबरदस्ती गन दिखा के घर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो ये जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया। ठीक है, और उससे पैसों का तकाजा किया कि जो आज पैसे लेके आए वो मेरे हवाले कर दो, और उन पैसों को देते हुए यासीन ने इसके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिस हाथापाई के दौरान उसको टांग पर फायर लग गया और बाद अज़ां उसकी ज़्यादा खून बह जाने के बाइस वफात हो गई। अभी ये तो इंकशाफ हुआ, जाहिर उसके लिए भी इंकशाफ था, आपके लिए भी इंकशाफ था, अभी इसे किस केस में आपने पकड़ा था? क्योंकि उसके बाद इसने बहुत सारी वारदातें की हैं, बल्कि उसकी भी तफसील ज़रा नाज़रीन के सामने शेयर कीजिएगा। कौन सी वारदातें इस कत्ल के बाद इसने की? इसके बाद इकदाम कत्ल की और हवाई फायरिंग की बहुत सारे इसके ऊपर तकरीबन 11 के करीब केसेस दर्ज हुए। उसकी वजह ये थी कि इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस जो है ये यासीन वाले मर्डर में मुझ तक पहुँच पाएगी, इस वजह से ये उस तरफ से बिल्कुल बेखौफ होकर घूम रहा था और अपनी रूटीन की जितनी भी सरगर्मियाँ थी उनमें ये मसरूफ़ था। इस दौरान इसने बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी किए, बहुत जगहों पे हवाई फायरिंगें भी कीं, मुख्तलिफ केसों में ये इश्तिहारी भी होता रहा। अभी जब हमने इसको गिरफ़्तार किया तो ये हमारे डिवीजन के 5 केसेस में इश्तिहारी था, लेकिन इसको ये इल्म नहीं था कि जो यासीन वाला मर्डर है पुलिस इसमें भी उस तक पहुँच चुकी है। ये है इस केस का मरकजी मुलजिम अदनान। इसी शख्स ने यासीन को फायरिंग करके कत्ल किया और 1 साल तक फरार रहा। मुलजिम अदनान ने टीम मुजरिम कौन के सामने क्या इंकशाफात किए? मुलजिम किन संगीन वारदातों में मुलव्वस रह चुका है? इन वारदातों में कितने अफराद अदनान का साथ देते रहे? मुलजिमान का ये ग्रोह नाजायज असलाहा कहाँ से हासिल करता था? तमाम मुकदमात में मुलजिमान को किसकी पुष्ट पनाही हासिल थी? सब कुछ हुआ बेनकाब। अच्छा, ये जो डकैती मुलाजमत पर यासीन जिसकी उम्र 44 साल से कत्ल किया गया, उसका मुलजम पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार किया है, ये इंतहाई चलाक मुलजम है, क्योंकि इसने ना सिर्फ वो कत्ल किया, उससे पहले भी इस पर बड़ी संगीन वारदातें थी और उसके बाद भी इसने तकरीबन 11 के करीब संगीन वारदातें किए, और पुलिस इसके पीछे थी लेकिन किसी और केस के लेके, क्योंकि ये बिल्कुल एक अंधा कत्ल था, पुलिस को इल्म नहीं था कि यासीन को भी इसने कत्ल किया है। और फिर जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस इसके घेरा अपना तंग करती है, और जब इसे गिरफ्तार किया जाता है तो इसे नहीं पता होता, ये समझ रहा होता है कि शायद हवाई फायरिंग का मेरे पे जो पर्चा है या इस 324 का पर्चा है, उस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इसके लिए भी इंकशाफ था दौरान तफ्तीश की, इसे पता चलता है कि मैं इस केस में भी अब चालान होने जा रहा हूँ। इसकी एक पूरी तारीख है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, हम इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अदनान, सबसे पहले तो अपना पूरा नाम बताओ। अदनान खलील, अदनान उर्फ दानी। पूरा नाम ये जी? कब से वारदातें कर रहे हो? वारदातें नहीं सर, कर रहा हूँ। वारदातें नहीं कर रहे? नहीं। कितने? 21 मुकदमात हैं। हाँ जी, लड़ाई झगड़े के पर्चे हैं। 324 भी है, एकदम में कत्ल भी है, 302 भी है, 300 लड़ाई झगड़े के भी, लड़ाई झगड़े के भी, अगवा के भी हैं। हाँ, तो अभी ये वारदातें नहीं है, इसे क्या कहते हैं? सर हमारे ये काम में धमकियाँ वगैरह लगती रहती हैं, ठीक है, नेट केबल में फायरिंग हो जाती है, 24 हो जाती है। क्या काम करते हो? नेट केबल का काम। केबल का काम करते हो जी? तो केबल का काम, उसकी आड़ में बदमाशी करते हो जी? बस बदमाशी है ना, अगवा करना, 324 किसी पे कातलाना हमला करना, हवाई फायरिंग करना, नाजायज असला रखना जी, तो ये बदमाशी है ना जी सर। तो कब से कर रहे हो ये? मुझे हो गया है 5 साल हो गया। 5 साल हो गया,
पहली वारदात क्या थी? पहला पर्चा जोन सा था, पहला पर्चा हमारे पे हुआ था वो मियां शबीर हमारे इलाके में, उसके प्लाजे में मेरे दोस्तों को मारे थे, मैंने वहाँ जाके फायरिंग की थी उनको, वहाँ फायरिंग की थी। पिस्टल कहाँ से लेते हो? हैं असला कहाँ से आता है? ये हमारा जो लड़के बोले काम है हमारे बॉस के पास ही होते हैं वो, बॉस के पास है। हाँ, वो सारा गैर कानूनी असला है बॉस के पास। नहीं, गैर कानूनी वैसे बांटते नहीं है, लाइसेंस बनवा के देते, वैसे अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं हम। हिफाजत के लिए लाइसेंस बनवाया जाता है ना जी? वो नहीं बना, बगैर लाइसेंस ही तो हिफाजत के लिए नहीं होता ना जी। वो गैर कानूनी की तुमने वारदातें की हैं तो बदमाशी के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए, लोगों पे हमला करने के लिए तुमने असला रखा हुआ है ना जी सर? तो बॉस बेसिकली सरगुना है, वो बांटता है जी सर। बॉस पे भी कोई पर्चे हैं? बॉस पे भी पर्चे हैं। मुलजिम ने टीम मुजरिम कौन के सामने इस बात का एतराफ किया कि वो इससे पहले भी अपने साथियों के साथ कई वारदातें कर चुका है। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद इस आदि मुजरिम की यासीन से क्या दुश्मनी थी? यासीन के कत्ल में अदनान के साथ एफआईआर के मतन में नामजद दूसरा मुजरिम कौन था? यासीन को कब से जानते हो, कब से इसकी रैकी कर रहे थे? ये तो तुम्हारा है तो मौलेदारी। हाँ जी, मुझे ये भी पता है कि रात को 2-3 बजे ये पैसे लेके सब पता घर जाता है। कब से इसे जानते हो, इसमें कब से नजर रखी हुई थी? नजर नहीं थी सर, मैं जानता काफी देर से, होलसेल का काम था इनका, घर में भी होलसेल का सामान पड़ा होता था, शाम को ये 500 सीटों वाले कोके पे भाई के साथ टाइम देते थे, काफी देर से जानता हूँ। बस जब मैंने इनको जहन बनाया कि पैसे लेने का, उसी दिन जहन बनाया? उसी दिन ही जहन बनाया। ठीक है, गोली खाई थी पिल्स, नशे वाली, नशा नहीं सुनाना। अच्छा, जेन बनाया, फिर क्या किया? जेन बनाया, फिर इसको मैंने, जब ये 3-3:30 बजे दुकान बंद करके वापस आता है ना, तो मैंने इसको पुल पे रोकना चाहिए उधर। ठीक है, वहाँ पे 2-3 आदमी और आ गए जिसकी वजह से मैं इसको रोक नहीं पाया। ये अकेला था यासीन? अकेला था? हाँ जी, वो अकेला था। पैदल था? मोटरसाइकिल पे था। ठीक है, ठीक है। तो वो फिर चले गए हैं, वो चले गए घर, फिर मैं इनके पीछे घर गया हूँ। मैंने इनका दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा खुलवा के मैं अंदर चले गया हूँ। मैंने इनसे पैसों की डिमांड की है, इन्होंने पैसे निकाल के मुझे दिए, ऐसे दे रहे हैं, और पैसे देने के दौरान हाथों पर ही होगी इनके पास, पैसे मैंने पकड़ लिए, छीन लिए थे। हाँ जी, पैसे मैंने पकड़ लिए। गोली क्यों मारी उसके बाद? हाथों पर ही होगी इतना, फिर गोली चलाई है मैंने इनको। तुमने ये सोचा होगा किसी की जरूरत को मेरे पे हाथ उठाए या मेरे साथ मज़ाहमत करें, तुमने गोली मार दी? जी सर। कहाँ पर गोली लगी? पट पे। इधर तुम्हें ये कब पता चला कि जिसे तुमने गोली मारी एक रात पहले लूटा है वो मर गया? 2 दिन बाद पता चला। कैसे, कहाँ से पता चला? मोहल्ले से पता चला। मोहल्ले से पता चला? ये वारदात करने के बाद, लूटने के बाद, कत्ल करने के बाद अपने घर गए तसल्ली से? हाँ जी, घर घर गए। घर गए, कहीं भागे नहीं? नहीं। क्या किया उन पैसों का? कुछ भी नहीं, हल बना लिया, कोई जायदादें बना ली? कुछ भी नहीं सर। अच्छा, बड़ा कारोबार कर लिया? नहीं सर। लेकिन उस शरीफ इंसान का तुमने कारोबार छीन लिया? जी सर। उसके बेटे को यतीम कर दिया, उसकी बीवी को बेवा कर दिया चंद पैसों की खातिर? सर गलती हो गया, बस गलती हो गई इंसान, गलती नहीं जुर्म, जुर्म हो गया बस। कोई जुर्म हो गया? जुर्म हो गया सर। मुलजिम यासीन के कत्ल के बाद कहां फरार हुआ? पुलिस ने कैसे मुलजिम की मशकूक सरगर्मियों का सुराग लगाया? मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद मुलजिम अदनान की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई? अच्छा, ये सरगर्मियां रिजवान साहब इस कत्ल से, यासीन को कत्ल करने से पहले की भी थी या उसके बाद हुई, या इसे ये बड़ा एतमाद मिला कि मुझे पुलिस ने तो गिरफ्तार ही नहीं किया, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया, एक शख्स को कत्ल किया और मैं आज़ाद घूम रहा हूँ? और फिर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह थी माजरत के वो उस इलाके में रहा, नॉर्मली लोग कत्ल करने के बाद अपना इलाका छोड़ जाते हैं, तो वो उसी इलाके में था, घूम फिर रहा था, तो इससे उसे एतमाद मिला। इस वारदात से, कत्ल की वारदात से पहले कोई 10 के करीब केसेस उस पर, इससे पहले भी 10 के करीब केसेस इकदामे कत्ल के और नाजायज़ असला के थे? ठीक है। उसके कत्ल के वारदात के बाद, चूँकि इसको ये अंदाज़ा था कि कोई ऐसा मैंने क्लू, कोई ऐसा सुराग मैंने नहीं छोड़ा कि मुझे इस कत्ल तक कोई लिंक कर पाएगा इतनी आसानी से, लिहाजा ये इसी इलाके में रहा और वक्तन फवक्तन इलाके में होने वाले लड़ाई झगड़ों में भी शामिल रहा, हवाई फायरिंग के वाक़यात में भी शामिल रहा, वक्तन फवक्तन अपनी लोकेशन भी बदलता रहा, कभी इलाके में आ जाता था और कभी मफरूरी इख्तियार कर लेता। रहा इसी शहर में, इसी इलाके में, या किसी दूसरे शहर में भी गया? अभी तो इसी इलाके में था, लेकिन जब हमने इसको, इसकी घरों पर रेड करनी शुरू की और इसके ऊपर अपना घेरा तंग किया, तो इसने अपनी लोकेशन कसूर के इलाके में और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में लोकेशन तब्दील करता रहा। मकतूल के घर के करीब रिहायश पजीर होने के बावजूद
कातिल एक साल तक पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचता रहा? क्या मकतूल यासीन मुलजिम अदनान को पहले से जानता था? मुलजिम की घनावनी वारदातों के बारे में मजीद क्या इंकशाफात टीम के सामने आए? ये मुलजिम आपके इलाके का है जी, तो इससे पहले कभी आपने इसे देखा था या इस वकूए के बाद आपने देखा कि इस इलाके में हमारे काम या से पान खाने सिगरेट पीने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी तो एक दिन में 5-6 आदमी से मुलाकात होती है। ठीक है, इसे आप जानते नहीं? बस नाम से जानते हैं, ये केबल का काम करता है। ठीक है, तो लेकिन हमारे तो माइंड ही नहीं कि यार ये आदमी ये हरकत करेगा हमारे साथ। वो हम वहाँ 20 साल से बैठे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम एक 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई नए तो है नहीं वहाँ पे जो हम कहेंगे पूरे इलाके में जानते हैं। अब आगे कब आपको पुलिस ने बताया कि जी आपका बंदा पकड़ा गया? ये भी रियासत नागरा साहब आए हैं इंचार्ज, इन्होंने अपनी टीम के साथ वर्किंग की है, उनको फोटोज मिली जिनसे इन्होंने इलाके मकीन को वो तस्वीरें दिखाई, कुछ ये आगे आदमी क्रिमिनल था। आपको भी एतमाद में ले लिया था, आपको भी बता दिया गया था? जब इन्होंने पकड़ा उसको भेजा, फिर हमें इनको छोटे से हमने कहा यही आदमी है, फिर इन्होंने हमको जेल में भेजा है स्नैपशॉट के लिए, वहाँ पर इसको स्नैपशॉट किया है, फिर इन्होंने बताया कि हमने काम किया है इससे कोई क्रिमिनल पहले था, ये पर्चे पहले भी दस्तक। तो जब इस वकूए के बाद भी तो 11 मुकदमात हुए, वो आपको पता था कि ये इसी तरह का आदमी है, बदमाश? पता ही फायरिंग करना, लड़ाई झगड़ा, लोगों को दो फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करनी, लड़ाई झगड़ा, केबल वाले जिनका काम ये है। दो मुलजिमान थे, एक और इसमें मुलजिम है जो की सहूलत कार था, बाइक पे था, इसे लेकर गया था। अब ये मानती है इस बात को? अब ये वो उसके बयान भी ये कहते कि मैं अकेला हूँ सर, आदि मुजरिम है वो, तो जिसने मर्जी कर उसको पता मेरे क्या होने। किसी ने देखा कि एक और शख्स है? वो माले मकानों ने देखा, उन्होंने बाहर ध्यान दिया, बाहर बाइक पे आदमी था। हाँ, माले मकान में ऊपर से ईंट भी मारी। हाँ, तो ये जब तफ्तीश, इससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे, ये बात मालिक मकान ने आपने पहले उन्हें नहीं बताई थी? उनको बताया था सब कुछ, तो वो बाइक भी थी, फिर तो वो कहते ट्रेस करना, वो कहते भाई अंधा कत्ल है रात का, अब हम देख रहे हैं या आपकी किसी दुश्मनी में बताएं। मुद्दई के मुताबिक अदनान ने अपने साथी के साथ मिलकर कत्ल की वारदात अंजाम दी। वारदात की रात अदनान के साथ मौजूद दूसरा शख्स कौन था? पुलिस अपनी इब्तदाई तफ्तीश में इस हवाले से खामोश दिखाई देती है। इस बारे में मुलजिम अदनान ने क्या इकरार किया? अच्छा, जब तुम्हें पता चल गया 2 दिन बाद कि ये कत्ल हो गया, अफसोस तो तुम्हें हुआ नहीं होगा, ये सवाल तुमसे बनता ही नहीं। ठीक है, फिर अब तुम्हें एक खौफ था कि पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि 1 साल तक तुम उसी इलाके में रहे हो, इसके बाद भी तुमने वारदातें की हैं, और तुम्हें कोई खौफ नहीं था पुलिस पकड़ेगी? अपनी तरफ से तुमने बड़ा साफ काम किया कि पुलिस को पता नहीं चलेगा। कितनी वारदातें की हैं उसके बाद? सर वारदात लड़ाई झगड़े में हमारे 400 उसे वारदातें कहते हैं ना, तुम्हारी नजर में लड़ाई झगड़े हैं, 324 के भी मुकदमे उसके बाद 11 किए तुमने, 5 मुकदमे में तुम इश्तिहारी भी हो, पकड़े क्यों नहीं जाते थे? बेले भी करवाते रहते थे, कैंसिल हो जाती थी, कभी के बाद कह रहा हूँ ना, पीए होते रहे हो ना, इश्तिहारी इश्तिहारी होते रहे हो, पकड़े क्यों नहीं जाते थे, कहाँ चले जाते? ससुराल की कर देता था। तो पुलिस को ससुराल का नहीं पता? नहीं। ठीक है, अब जब पकड़े गए हो, पुलिस ने किस केस में पकड़ा था? किसी केस में? मैंने दिन में यही था, यही केस में पकड़ा, जो उनसे मैं इश्तिहारी था ना, ये तो ये था कि उसमें पकड़ा। हाँ, 324 में 2 पर्चे थे। तुम्हें ये नहीं पता था कि पुलिस ने अपनी वर्किंग पूरी कर ली है, अपनी रैकी पूरी कर ली हुई है, और 302 जो तुमने 1 साल बाद किया था शायद तुम भी भूल चुके हुए थे। सही, ऐसे ही है ना, भूल चुके हुए थे, इंसानी जान लेने के बाद तुम भूल चुके होगे, तुम्हारे जहन से निकल गया होगा कि मैंने किसी शरीफ इंसान को कत्ल किया। हाँ जी। तो पुलिस ने जब बताया तो पाँव के नीचे से जमीन निकली कि ये क्या होगा? तुमने ये सोचा हुआ था कि शायद फिर मैं बेल करवाऊँगा, छोटा केस होगा, बाहर आ जाऊँगा, मान के थे आराम से पुलिस के सामने? हाँ जी। शादीशुदा हो खुद? जी सर। बच्चे भी हैं? 2 बेटे हैं। चले, किसी के बच्चों का ख्याल तो नहीं था, किसी की ज़िंदगी का ख्याल तो नहीं था, तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं? कत्ल करने के बाद भी तुम्हें, वो कहते हैं तुम्हारे कलेजे में ठंड नहीं पड़ी, उसके बाद भी तुम वारदातें करते रहे, कौन है तुम्हारे पीछे? ये अकेला इंसान तो नहीं कर सकता। बस मोहल्ले में यार क्या, पूरा यार दोस्त है मोहल्ले में, नेट केबल का काम करते हैं हमारा, जाहिर है गैंग है ना पूरा। हाँ जी, इसी वजह से बड़े धड़ल्ले से काम करते। बस उस साथ हमारे साथ दूसरा कौन था? कोई भी नहीं था। था नहीं था जो मालिक मकान है उन्होंने देखा है? नहीं, बाइक पे एक और शख्स था, अकेला ही था, बाइक दरवाजे के लगवाई थी मैंने। क्यों छुपा रहे हो, बचाना चाह रहे हो किसी को? नहीं सर, मैंने क्यों बचाना है किसी को, अपनी बाइक पे आए थे। हाँ जी। राय दोस्त मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, हम जरा इनसे भी थोड़ी सी बात करें। राय साहब, सबसे पहला सवाल जो अभी मैंने इससे किया है
आपकी तफ्तीश क्या कहती है, या अभी आप तफ्तीश कर रहे हैं कि ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी दूसरा सहूलतकार भी था इसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक साल कबल का हुआ, ये ब्लाइंड मर्डर था। मुझसे पहले आई गुलाम फरीद साहब से, उन्होंने भी आरटी पे काम किया, फिर हमें एक फुटेज मिली, उस पर हमने वर्क किया। ये मेरे हमारे जूनियर हैं, अंचारी साहब हैं, डीएसपी एसपी साहब, उनकी हदायत पे हमने वर्कआउट किया। बिलाखिर हम इस पे पहुंच गए थे। ये हमारी तफ्तीश में अकेले ही इसने पैसे छीने थे और पिस्टल से। वो ये तकाजा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक और सहूलतकार है, इस एंगल पे भी तफ्तीश अब करेंगे अब आगे? नहीं, इस पे ये फाइनलाइज हो चुका है। ये एक ही था, अकेला था। अकेला ही था और ये कत्ल करने के बाद उस इलाके में रहा, वहाँ से भागा नहीं, क्योंकि इसके बाद भी इसने वारदातें की हैं ना वहाँ पे? जी की हैं। जब मुझे ये मुकदमा मिला, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से इस पे काम किया, इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। अब ऐसे आला कत्ल भी रिकवर है, जो पैसे लूटे थे वो भी रिकवर है, जिस बाइक पे ये आया था वो बाइक भी रिकवर कर ली। टीवी केबल के बिजनेस की आड़ में होने वाले जरायम अदनान और उसके साथी मुलजमान के जुल्म और बर्बरियत का मुंह बोलता सबूत हैं। 21 मुकदमात में नामजद मुलजिम अदनान क्या इस बार कैफरे किरदार तक पहुंच पाएगा? मुलजमान के असर रसूख और सफाकियत को देखते हुए मुद्दई क्या अपील करता है? आपका मुलजिम तो पकड़ा गया, एक तो आप चाह रहे हैं कि जो दूसरा हमारे साथ भी हुआ, किसी और के साथ ना हो। आपको लगता है कि इस सिस्टम से आपको इंसाफ मिल जाएगा? बेशक मुलजम पकड़ा गया है, हमारे सामने तो रोज मुलजम बाद में रहा होके वापस आ जाते हैं, कुछ क्या बनी सकते हैं? देखें, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। और वो छोटा बच्चा जिसके सर से बाप का साया ख़त्म हो गया है, छिन गया है, वो किस हालत में है? और बेवा उनकी, वो अब अपने माँ बाप के पास रह रही हैं। सर जो राइट है उनका, आप लोग शफकत कर रहे हैं ज़ाहिर है, जितना हो सकता हो ठीक है। उनकी तरफ से कोई पैगाम आप देना चाहें? भाई ये है कि ये जब मैं कैफे किताब पहुँच जाएगा, जो उसके सहूलतकार हैं, जिन्हें जो ज़रा ज़रा भी शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा मेरे प्लान जो होता है ये अकेले आदमी का काम नहीं है। सही कह रहे हैं, आपकी भी एक एज है, आप भी इंटरव्यू करती हैं, आपने मुजरिम को देखा है, तो ये एक आदमी एक काम ये कर नहीं सकता है, एक आदमी को रास्ते में अकेला हाथ से। ये भी डर होगा कि इसका जो सहूलतकार है वो आपको नुकसान कर भी कर सकता है, मैं तो ऊपर बैठू, मेरे तो काम है ज़ाहिर है केस वापस ले, ये प्रेशर डालने के लिए कुछ भी हो सकता है, आपको खुदा ना खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है या कोई धमकी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा सोचेगा कानून है, जो मुझे पकड़े उसकी गर्दन उतार दो, कहानी खत्म। पुलिस की अदम दिलचस्पी और गैर जिम्मेदारी का फायदा उठाकर अदनान आदि मुजरिम बन चुका है। अगर पुलिस अदनान को पहले ही मुकदमात में करार वाकई सजा दिलवा देती तो आज एक मासूम शहरी अपनी जान से हाथ ना धोता। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।